प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर मकान मोर आस घटक के तहत 29 फरवरी को लॉटरी के माध्यम से हितग्राहियों को आवास आवंटन करना था, परंतु किसी अपरिहार्य कारण की वजह से ये लॉटरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया, जिससे लॉटरी में शामिल होने के लिए निगम पहुंचे हितग्राहियों को हैरान और परेशान होना पड़ा। इसके बाद योजना विभाग में इस बात की जानकारी लेने के लिए हितग्राहियों की भीड़ जमा हो गई, जहां उन्हें बताया गया कि अपरिहार्य कारणों से 29 फरवरी की लॉटरी प्रक्रिया को निरस्त किया गया है। इस लॉटरी की अगली प्रक्रिया की तिथि जल्द निर्धारित कर हितग्राहियों को दूरभाष एवं पत्राचार के माध्यम से बता दिया जाएगा। ये जानकारी योजना विभाग के प्रभारी अधिकारी विद्याधर देवांगन ने एसीएन न्यूज टीम को दी है। ये आज प्रधानमंत्री आवास योजना मोर मकान मोर आस योजना के घटक के अंतर्गत रजत बिल्डर शांति नगर में लॉटरी किया जाना था, जिसके आवेदकों की संख्या थी 421 आवेदकों में से 156 लोगों ने राशि जमा किया था, जिनकी लॉटरी सूची में नाम थी। और मकान आवास जो हमारे थे वो कुल मिला के 36 है। ग्राउंड फ्लोर भूतल में वरिष्ठ और विकलांग जनों के लिए 12 मकान आरक्षित है, जिनको शासन के गाइडलाइन अनुसार भूतल में दिया जाना है। और 24 मकानों की लॉटरी जनरल में किया जाना था, जो अपरिहार्य कारणों से आज स्थगित कर दिया गया है। आगामी जो लॉटरी किया जाएगा उसकी सूचना प्रत्येक हितग्राहियों को दूरभाष के द्वारा एवं सूचना पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाएगा।